उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले दिल्ली रोड बागबाड़ा स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित एक ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा, जिसमें अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई। कहा गया कि समय रहते अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की नियमावली के अंतर्गत जो कार्य कराए जा रहे हैं उसमें नियम बनाने और संशोधन करने के साथ मोबाइल ऐप पर तरह तरह के डेटा और कई बिंदुओं पर कार्य हमारे टीचर से कराए जा रहे हैं, जबकि शिक्षकों को ना तो मोबाइल फोन दिया गया और ना ही कोई मानदंड। सब कुछ शिक्षक अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, इसके चलते शिक्षकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना था कि सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा और हमारी समस्याओं का समाधान भी करना होगा। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं से जब बात की गई तो उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि आज सिर्फ ज्ञापन दिया जा रहा है, अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर कोई भी शिक्षक मोबाइल के द्वारा डाटा की अपलोडिंग नहीं करेगा और मोबाइल के द्वारा किसी प्रकार के कार्य को नहीं किया जाएगा। शिक्षकों की अपने मोबाइल से, अपने सिम से, अपनी आईडी से, ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए बाध्य करने पर शिक्षकों के प्रति अव्यवहारिक निर्णयों के खिलाफ और शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों जैसे बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति 17,140 18,150 वेतनमान की विसंगति, पारस्परिक स्थानांतरण, कैशलेस सुविधा, एमडीएम, गैर शैक्षणिक कार्य, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को सम्मानजनक मानदेय वृद्धि न करना, काम के जो कार्य हो कार्य दिवसों में कार्य किया जाता है उसमें अगर छुट्टी के दिनों में कार्य किया जाता है उसके बदले में ईएल की सुविधा और अंतरजनपदीय और अंतरजनपदीय स्थानांतरण न होने पर और छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति न, तमाम मांगों के संदर्भ में आज ये उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय के द्वारा आज 1 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के समस्त विकास क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी गणों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ को भिजवाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज विकास क्षेत्र व जनपद मुरादाबाद की इकाई द्वारा यहां पर बहुत भारी संख्या में शिक्षकों ने उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के लिए ज्ञापन दिया है। ज्ञापन प्राप्त करने के उपरांत विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी शिवम गुप्ता द्वारा बताया गया कि आज शिक्षकों ने उन्हें ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन को उनके द्वारा उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। सर, एक ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मामला है, क्या? आज खंड संसाधन केंद्र मुरादाबाद ग्रामीण में उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के द्वारा, जिसमें प्रदेश स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय इनके पदाधिकारी गण थे, अपने शिक्षकों के विभिन्न मांगों के तहत एक मुख्य आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया है, जो कि मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों के माध्यम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक प्रेषित किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर अमित सक्सेना, मिथिलेश कुमारी, रविंद्र पाल सिंह, योगेंद्र कुमार, प्रसून, ऋषि कपूर, राहुल कुमार, विमल, शैलजा, आरिफ, निर्मला, ऋतुरानी, नीतू सिंह, अंजना रानी, ऋतु अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, अर्चना शर्मा, यामिनी, गीता सिंह, मोनिका गर्ग, संजीव दीक्षित आदि मौजूद रहे।